अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साद अहमद चानो और आज हम मौजूद हैं बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में, जहाँ पे मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की जानिब से एक फ़ोटो एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है। इस एग्जीबिशन में मीडिया स्टडीज़ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। अब से कुछ देर में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बहरिया यूनिवर्सिटी भी तशरीफ़ लाएंगे और वो स्टूडेंट्स से बात करेंगे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में और उन मैसेजेस के बारे में जो कि वो अपने प्रोजेक्ट से कन्वे करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं स्टूडेंट्स से कि क्या मैसेजेस हैं कि जिनको वो कन्वे करना चाहते हैं अपने फोटोग्राफी के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। उसके अलावा हम बात करेंगे फैकल्टी मेंबर्स से और एचओडी मीडिया स्टडीज से कि उनके नज़दीक इस तरह की एग्जीबिशंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेसिंग को इन्हांस करने के लिए कितना रोल प्ले करती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने, बड़े शौक से काम किया और उनकी स्किल सेट को मज़ीद डेवलप करने में दिस इज़ ये बहुत एक अहम चीज़ है और इसको आइंदा भी कंटिन्यू करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे जो पसंद आई कि ये ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे जिनके विच इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ देयर पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर कितना बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने में, पाकिस्तान को बेहतर बनाने में? माशाल्लाह दे कैन प्ले अ वेरी गुड रोल प्रोवाइडेड द लीडर्स हु आर द फैकल्टी दे गाइड देम ऑन द राइट पाथ। उनको अगर सही रास्ते को दिखाते रहेंगे तो इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान की और मुस्लिम उम्मा की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। लोगों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा क्रिएशन है और एक एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा उसमें न्यूज़ है, उसमें वैल्यू है तो, और उसमें सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि दे आर क्रिएटिव, दे आर इंटेलिजेंट और उसकी एग्जीबिशन, उनकी जो 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 शोकेस है उस एग्जीबिशन, उस इंटेलिजेंस की हमारे सामने आ गई है। तो बीइंग ए एचओडी आई एम वेरी प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी और मुझ में स्पिरिट बढ़ा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि माशाल्लाह दिस डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग वेल ऑन द राइट डायरेक्शन। खामोश लैंग्वेज है ये बेसिकली, और इसका जो मतलब और मकसद होता है वो बड़ा गहरा होता है। तो आज बच्चों ने जिस किस्म की यहाँ पे तस्वीर यहाँ पे डिस्प्ले की हैं, जो थॉट प्रोसेस जो मुआशरे के अंदर जिस किस्म की चैलेंजेस हैं लड़कों को, लड़कियों को, बच्चियों को, खासकर हमारी जो यूथ है उसको इसके ज़रिए डिस्प्ले किया गया और आई थिंक के बच्चों ने बहुत बेहतर तरीके से उसको किया है, कवर किया है और उसकी उसको डिस्प्ले किया है। और मैं अकरम साहब जो इनके टीचर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि अच्छा एक उस्ताद या टीचर जो है वो एक अच्छी नस्ल को पैदा कर सकता है किसी भी माशरे के अंदर और कौम के अंदर, सोसाइटी के अंदर। वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी, जिसमें हम लोगों ने तस्वीरें लिए बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। हर तस्वीर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोई ना कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, दे ऐड वैल्यू टू इट। तो अगर किसी तस्वीरों में आप देखेंगे, किसी तस्वीर में गले पर रस्सी बंधी हुई है, किसी ने फूल पकड़ा हुआ है, फूल को आग लगी हुई है, तो ये जो एलिमेंट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं दे हैव मीनिंग्स, दे हैव डीप मीनिंग्स। सो आई वांटेड द स्टूडेंट्स टू गो डीपर इनटू दोज मीनिंग्स एंड कम अप विद अ स्टोरी। तो इसलिए जो है ना वी वेंट विद द कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स डिड अ लॉट ऑफ वेरी गुड जॉब इन कंडक्टिंग दिस एग्जीबिशन। जी नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं आइडिया के बारे में कि जो ये पिक्चर्स के
नज़दीक अपने ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? बिनफ्शीन। बिनफ्शीन, कुछ बताएंगी क्या आइडिया था जो कि आप कन्वे करना चाहती हैं अपनी पिक्चर्स के? देखिए, आइडियाज़ हमने जो है वो तीन, बेसिकली पहले तीन आइडियाज़ हमने दिए थे और ये तीनों ऐसे आइडियाज़ हैं कि जो जिनके बारे में इतनी हमारे माशरे में बात नहीं होती, लेकिन देर देर वो वहाँ पर होते हैं और वो अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं। मतलब ये कि उस जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमारे पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा वो कर दिया जाता है कि हाँ ये पागल हैं, ये तो हैं ही ऐसे, इनके मूड स्विंग्स हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन दैट्स एन एक्चुअल डिसऑर्डर एंड इट नीड्स क्या नाम है ट्रीटमेंट। उसको जो ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में वी हैड टू लाइक वी चोज दिस टॉपिक ताकि इसके बारे में अवेयरनेस हो और ताकि हमारी जो साइकोलॉजिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है जो जो हमारे आजकल के साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को दें, एक इस चीज़ के बारे में भी रिसर्च करें और सर्वे करें कि लाइक ये चीज़ भी है और इसकी ट्रीटमेंट पर कितना काम किया जा सकता है। क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रही? हमारा बेसिक जो थीम थी वो थी मेन मेंटल हेल्थ एंड वी वांट टू पोर्ट्रे के मर्दों के ऊपर उनको बचपन से बता दिया जाता है कि जो भी हो रहा है आपके साथ आप बोल नहीं सकते, लाइक व्हाट एवर इज़ हैपनिंग विद यू यू हैव टू शट योर माउथ। सो वी वांट टू पोर्ट्रे दैट इमेज एंड हम ये कह रहे थे इस पिक्चर के थ्रू, हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो शल है जो हमने बना लिया, हमने इसको ख़त्म करना है और अगर औरतें बोल सकती हैं तो मर्द भी बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू पोर्ट्रे। सभी का कुछ बताएंगी, आपका टॉपिक है वुमन ऑप्रेशन, क्या वजह थी कि आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया? क्योंकि आजकल हमारे माशरे के अंदर चाहे अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो हमारा यही मेन थीम था कि हम लोग किसी तरीके से इतने बड़े टॉपिक को एक पिक्चर में समराइज करके किस तरीके से हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। जो कुछ बताएंगे क्या टॉपिक सेलेक्ट किया आपने और क्या मैसेज है जो आप सोसाइटी में कन्वे करना चाहते हैं अपनी पिक्चर के थ्रू? सर, ये हमारा टॉपिक था फोर्स मैरिज, तो ये हमने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी में ना सबसे ज़्यादा ये केस आए जा रहे हैं कि एक लड़की के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि यार फोर्स मैरिज का कि करनी है, उसने उसकी मर्ज़ी या वगैरह कुछ भी नहीं पूछी जाती, उस पर उसको प्रेशराइज इतना कर दिया जाता है कि उसको आगे करनी ही पड़ती है। तो उस चीज़ को हमने वो आइडिया ले कि हमने शो कराने के लिए हमने इमेज में कि किस तरह लड़की को प्रेशर डाला जा रहा है, तो हमने वो इस पिक्चर में शो कराया, उस आइडिया को शो कराने की कोशिश की है इसमें। मगान कुछ बताएंगे कि क्या मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहते हैं अपनी पिक्चर के थ्रू? हमारी पिक्चर बेसिकली तीन हमने आइडिया सेलेक्ट किए थे, हम ऐसे आइडियाज़ हमने सेलेक्ट किए जिनके बारे में आजकल सोसाइटी में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारा है सोसाइटल प्रेशर का, ये हमारे खातून जिस तरह हमारी औरतें हैं उन पर हम रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि यार आपने घर से नहीं निकलना, आप काम नहीं कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती है, हमने उनको पपेट कर रहे हैं, हम पपेट मास्टर हैं, वो हमारे पपेट है, इसके थ्रू हम ये डिपेक्ट करना चाह रहे हैं। क्या मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहते हैं और क्या समझते हैं फोटोग्राफी के थ्रू ये मैसेज कितना अच्छा आप कन्वे कर सकते हैं? सर, आवर मेन मैसेज इज डोमेस्टिक अब्यूज and how common it is in our nowadays in our society. The first thing we wanted to convey was how this girl in the picture is showing her abuse from her husband and how she's showing to the world. As you can see in the picture, the half of it is not covered at all and half of it shows bruises that convey a message that she's being abused in her home but she cannot tell the world. Basically our project is about ray of hope, like हम स्पेशली वी यूथ जल्दी हार मान लेते हैं हालात से, सिचुएशन से, ज़िंदगी से, लोगों से, सो आवर प्रोजेक्ट इज़ अबाउट ए सिंगल रे ऑफ होप कैन चेंज योर लाइफ। हमें कभी भी हार मानना नहीं चाहिए समटाइम्स, बट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको एफर्ट्स देते रहना है और आपको ज़िंदगी उम्मीद पर कायम है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो आपको उम्मीद नहीं हारना चाहिए। बेसिकली आवर प्रोजेक्ट इज़ अबाउट होप। औरंगज़ेब कुछ बताएंगे क्या प्रोजेक्ट आपने किया और किस तरह से आप मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं? बेसिकली हम लोगों ने फिल्म पोस्टर्स बनाए हैं जिसमें हम अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा फोटोग्राफी का असाइनमेंट से जो हम लोगों ने किया और यहाँ पे एग्जीबिशन में हम लोग शो कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जो उनकी पहली मूवी है माफिया है, बेसिकली इसमें गाय होता है, लड़का होता है, उसके बचपन में उसकी फैमिली के जो माफिया होते हैं वो किल कर देते हैं। अल्टीमेटली वो बदला लेने के लिए वो ऐसी इन्वायरमेंट में रहता है और वो ऐसे लोगों के साथ रहता है, वो अल्टीमेटली वो एक माफिया डॉन बन जाता है और जिस डॉन ने उसके फादर को या उसकी फैमिली को मारा हुआ होता है उससे वो बदला लेता है।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने डीजी इस्लामाबाद कैंपस से बात की, एचओडी मीडिया स्टडीज़ से बात की और फैकल्टी मेंबर से बात की। सबका यही कहना था कि इस तरह के एग्जीबिशंस स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने स्टूडेंट्स से बात की, स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उनकी कोशिश रही है कि वो उन अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स को टच करें कि जिनके बारे में हमारी सोसाइटी में बात नहीं की जाती। इस उम्मीद के साथ कि स्टूडेंट्स सोसाइटी को बेहतर बनाने में मज़ीद अपना किरदार अदा करेंगे और बहरिया यूनिवर्सिटी मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट स्टूडेंट को मज़ीद इस तरह के इनिशिएटिव्स फराहम करता रहेगा। अपने होस्ट साथ चांदनों को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।